नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, यहां हाइड्रेंजिया का फ्लावर है जो अब फ्लावरिंग इस तरह से किए हुए है। पहले भी इसमें फ्लावर थे, जब मैंने इसे आपसे शेयर की थी, इसको रिपोर्ट किया था, खरीद कर लाई थी, उस समय भी ये फ्लावर दिया था, वो समाप्त हो गया और दोबारा ये फ्लावर दिया है। दोस्तों, मैं आज कुछ अजीब सा करने वाली हूँ अपने गार्डन में और उसी को मैं आज आपसे शेयर करूँगी। दोस्तों, ये देखिए, इसका इस प्लांट ने इतना ज़्यादा रूट बढ़ा लिया था और मैं इसको हटा नहीं पाई टाइम से, तो देखिए ये गमला को फोड़ दिया है। और इस तरह से आप जब कहते हो मेरे बर्बाद हो गए प्लांट, गमले टूट गए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना दर्द आपसे शेयर कर दूँ कि मेरे भी गमले इस तरह से टूट जाते हैं। ये कभी कभी गार्डनिंग करने में ये सब झेलना पड़ता है। अब इसकी कटिंग हो रही है, इतना तक इसकी कटिंग कर देनी होगी। मुझे जरा उसको देखनी है कहाँ तक काटना है दोस्तों, इसलिए अभी फिर बाद में जब काटने के बाद आपसे शेयर करती हूँ। अरे क्यों नहीं बचेगा, एकदम बचेगा, पहले भी बचा है। इसमें मोटी वाली रूट को आपको जो देख रहे हो उसको काट कर हटानी है, जो महीन वाली है वो फीडर रूट है, उसको नहीं हटाने हैं। दोस्तों, तो इस तरह से कट गया ये पाम, अब देखो इस तरह का हो गया ये। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, बहुत कम बचे हैं रूट, तो इतने अब रहेंगे भी, क्योंकि ये लोग ये सब फीडर रूट हैं। और ये जो इसका है पार्ट, ये हटा दिया गया है काट कर नीचे से, आप देखिए रहे हो ये वाली, ये पार्ट काट के हटा दी गई है और यहाँ उसमें से काट कर निकाला गया है। अब इसकी स्थिति ऐसी है, काटने से पहले ये बांध दिया गया था ताकि ये गरे नहीं, इसमें भी कांटे होते हैं जो चुभ जाया करते हैं। अब इसको दूसरे में रिपोर्ट कर देनी है। दोस्तों, आप इसको देख रहे होंगे कि इसके पत्ते किस तरह के पीले हो रहे थे, ये कारण इसका यही था, इसका रूट बाउंड हो चुका था और इसको भोजन की कमी हो रही थी, इसलिए इसके पत्ते आप देख रहे होंगे इस तरह के पीले हो रहे हैं। तो इसको हटाकर अब दूसरे पॉट में काटने के बाद लगा लिया गया है। अब ये इस तरह का लग रहा है। अब इसको नया जीवनदान मिल गया। जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये मुड़ गया है, इसकी हाइट इतनी लंबी हो गई है कि इसको अब पॉट में रखना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं तुरंत ही कुछ दिन पहले इसको रिपोर्ट की थी, लेकिन ये काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस हालत में अब इतने बड़े पॉट में इसको रहना संभव नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से निकालती हूँ और निकाल कर इसको सॉइल में, गमले से आज़ाद करके इसको सॉइल में पहुंचा देती हूँ। मैंने दो प्लांट यहाँ से घर से गमले से आज़ाद किया है, एक तो आप यहाँ देख रहे हो, दूसरा मैं दिखलाती हूँ आपको। दूसरा ये चंपा का है जिसको आपने ओवरव्यू में बहुत बार देखा होगा, इसे भी मैं बाहर, इसकी लंबाई को देखते हुए मैंने इसे बाहर कर दी है। गमले में इसका दम घुट रहा था। दोस्तों, ये रहा आपका लैंड लोटस जो आगे लगा हुआ था, सॉइल में लगा हुआ था, तो सॉइल से मैंने इसे गमले में डाला है, क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसको अब
उसमें और मुझे बड़ा नहीं करना था तो मैंने इसे यहाँ पॉट में डाल लिया है ताकि इसको थोड़े से कंट्रोल में रखा जा सके। दोस्तों कभी कभी पॉट से सॉइल में, सॉइल से पॉट में भी करने की आवश्यकता हो जाती है, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद भी आप देख रहे होंगे ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इसमें नन्हे नन्हे पत्ते इसने देने शुरू कर दिए हैं। जगह खाली हो गया यहाँ पर, जो अच्छा कोई खास अच्छा तो नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा बड़ा और काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा ये हो गया था बरसात के दिन में परेशानी कर रहा था, मुझे यहाँ से उसको हटानी पड़ी। दोस्तों मैंने रिपोर्टिंग में निकाल कर बाहर लगाते हुए प्लांट को दिखाकर खाली जगह आपको दिखाई है, इससे आप हतोत्साहित ना हो। अभी भी यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिन्हें देखकर हम खुश रह सकते हैं, और वो अभी कोई बाहर नहीं गया है, जस्ट मेरे सामने गया है ओवरव्यू में। मैं उसको भी आपसे शेयर कर दिया करूँगी। दोस्तों ये सामने संध्या फूल है जो रात में खिलता है, शाम में खिलता है, दिन में नहीं खिलता है। बहुत ज़्यादा घने अभी हो गए हैं बरसात के दिन में, काफ़ी प्लांट बड़ा बड़ा हो गया है। अभी मेरे यहाँ अभी बारिश भी काफ़ी हो रही है जिसके कारण फ्लावर जो है सो प्लांट काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। अभी देख लो इसी की हाइट देख लो कितनी लंबी हो गई है। ये बटन रोज है, ये बड़े वाले रोज हैं। मुझे कोई ओवरव्यू आज दिखाने नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा आप कहीं दुखी ना हो जाओ कि सारे प्लांट मैडम ने बाहर निकाल दिए हैं, रोड साइड में मैंने उसे लगा दिया है, तो कहीं आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर दे रही हूँ फ्लावर को। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगी, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।